नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू केकेएसबी व्लॉग्स। आई होप आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होगी। आज हम सोलन से खाटू श्याम की तरफ जा रहे हैं, जिसका टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है। इस सफ़र में हम कवर करेंगे सालासर बालाजी के दर्शन, साथ ही अंजनी माता, श्री राम जी के मंदिर के दर्शन और उसके बाद खाटू श्याम। ये ट्रिप हमारे लिए राधा रानी टूर एंड ट्रेवल्स ने स्पॉन्सर की थी, जो स्टार्ट होती है सोलन से सालासर के लिए। एकदम कंफर्टेबल सेमी स्लीपर सीट्स वाली ये बस एसी की फैसिलिटीज के साथ राधा रानी टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से थी। सोलन से शुरू हुए सफर में धीरे धीरे अलग अलग स्टेशन से लोग चढ़ते गए और हिमाचल की पहाड़ियों से हरियाणा की तरफ को हम बढ़ते गए। धर्मपुर, परमाणु, इन सब स्टेशन से होते हुए हम नाडा साहिब पहुंचे, जो पंचकुला में है। 1688 में आनंदपुर की यात्रा के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ रुके थे। हमने यहाँ दर्शन किए, लंगर ग्रहण किया और निकल गए अगली डेस्टिनेशन की तरफ। भजन कीर्तन के आनंद के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हरियाणा के कैथल में टी ब्रेक के लिए रुके। यहाँ हमारे लिए चाय नमकीन की व्यवस्था करवाई गई थी। सफर में चाय पानी का पूरा ध्यान रखते हुए राधा रानी टूर एंड ट्रेवल्स हमें ले जा रहे थे। ये बहुत सी यात्राएं करवाते हैं, जिनमें अयोध्या, वृंदावन, खाटू श्याम, हरिद्वार जैसी कई यात्राएं शामिल है। अगर आपका प्लान भी है कहीं धार्मिक यात्रा पर जाने का, तो इनके साथ कॉन्टैक्ट करके आप आरामदायक सफर बिना हेडेक के तय कर पाएंगे। आपके भोजन पानी की व्यवस्था ये सारी खुद करते हैं, साथ ही स्टे भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। सफर करते करते रात होने को आ गई और अब हम पहुंचे हैं सालासर, जहां धर्मशाला में हमारा स्टे था। यहां खाने को मिला टेस्टी राजस्थानी खाना और स्टे के लिए कंफर्टेबल रूम्स। सारी फैसिलिटीज वाले ये रूम एकदम नीट एंड क्लीन थे। अगली सुबह हम निकलते हैं सालासर बालाजी के दर्शन करने। सब एक साथ ढोल के साथ नाचते गाते हुए सालासर धाम पहुंचते हैं, जहां सबको एक साथ गाइड किया जाता है कि कहां दर्शन होंगे, क्या प्रसाद लेना है, कहां प्रसाद चढ़ेगा और कहां कौन सा मंदिर है। प्रसाद झंडे लेकर सालासर बालाजी में सुकून भरे दर्शन करने हम निकल पड़े। यहाँ दर्शन होने के बाद अब हम अंजनी माता के मंदिर के लिए गए। अंजनी माता मंदिर के दर्शन के बाद श्री राम मंदिर, और इस तरह से दर्शन हुए सालासर बालाजी में। अब सफर शुरू होता है खाटू श्याम जी के लिए। हम दोबारा बस में बैठे और निकल पड़े। पूरी यात्रा में भजन कीर्तन की कोई कमी नहीं थी और अब समय था ब्रेकफास्ट करने का। इस जगह रुककर हम सबने खाना खाया। नो डाउट जहाँ कहीं भी हम रुके, खाना बहुत टेस्टी था। हाँ, तो फिर अब हम निकल पड़े हैं खाटू श्याम जी के लिए। थोड़ा लंबा सफर था, लगभग 100 किलोमीटर का, लेकिन ये भी आराम से तय हो गया और अब हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम जी। अपने अपने भोग प्रसाद लेकर हम दर्शन के लिए एंटर हो गए, जहाँ चारों तरफ भक्तों की भीड़ थी। खाटू श्याम जी के दर्शन हमने किए, यहाँ का बाजार देखा, चाय भी पी और अब हम श्याम कुंड के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये वही कुंड है जहां शीश प्रकट हुआ था और यहाँ का पानी चर्म रोग के लिए उपयोगी माना जाता है। श्याम कुंड के दर्शन हमने तो कर लिए, लेकिन बहुत से लोग इसी सफर में साथ थे, तो उन सब का इंतजार भी जरूरी था। शाम होने को आई, हमने देखा मैजिक शो और वापस निकल गए सोलन की तरफ। सफर शाम को शुरू हुआ था तो चाय लाजमी थी, जिसके लिए हम रुके। सफर में मेरे फॉलोअर्स भी मुझे मिले, जो काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। चाय के बाद डिनर के लिए भी हम एक साथ रुके। रात से शुरू हुआ सफर अगले दिन तक चलता रहा। हमें चाय, पानी, नमकीन, हर चीज की फैसिलिटीज मिलती रही। पर्सन टू पर्सन सबका पूरा ध्यान रखा गया और ये सफर हिमाचल की खूबसूरत पहाड़ियों में एंटर होते हुए सोलन पहुंचकर खत्म हुआ। अगर आप भी चाहते हैं कुछ ऐसी धार्मिक यात्रा जहाँ आपका पूरा ध्यान रखा जाए, खाने पीने, स्टे, हर चीज का, तो आप जरूर जा सकते हैं राधा रानी टूर एंड ट्रेवल्स के साथ। ये यात्रा करवाते हैं एकदम बजट फ्रेंडली प्राइजेस में। आप जरूर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए।